hello everyone and welcome back to join mns academy in this video we would be taking some question of structure of atoms these questions are important from your exam point of view please keep check on these questions as these question would help you to crack your exam easily so now we would be starting with our questions so the first question is a neutral atom consists of a only protons बी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स सी न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स डी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन ले लिया हमने ये जब ग्राउंड स्टेट में या किसी रिएक्शन का पार्ट नहीं है तब ये न्यूट्रल है मान लो ये किसी एक रिएक्शन में गया इसने आए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये एक न्यूट्रल आइटम होता है और इसके अंदर सारे न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स सब होते हैं और ये एक न्यूट्रल आइटम होता है क्योंकि इनमें चार्ज टू मास जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है जब ये चार्ज टू मास रेशियो चेंज होता है तब उसके ऊपर एक नेगेटिव या पॉजिटिव साइन होता है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन बी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सी न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सो एक एटम सो सॉरी एक ये एटम है और ये इसके बीच में न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए तो एक न्यूक्लियस के बीच में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो एक रदरफ ने अल्फ़ा फॉइल गोल्ड फॉइल के साथ अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जो भी जो उन्होंने अल्फा रेस उसके थ्रू uh, पास कराई थी गोल्ड फॉल्ट के थ्रू तो वो सेंटर से डिफ्लेक्ट की थी और वो सेंटर से इसलिए डिफ्लेक्ट की थी क्योंकि जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो जब सेम चार्ज के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते तो वो डिफ्लेक्ट करता है तो इससे हमें पता चला था कि जो एक न्यूक्लियस के बीच में का जो पार्ट है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इसलिए हम कहते हैं कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमिनेटेड टूवर्ड्स द सेंटर है एंड जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर उसके अराउंड एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ इन ऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए टेन रिज रुप माइनस ट्वेल्व मीटर ऑप्शन बी टेन रेस्टुपर माइनस एट मीटर ऑप्शन सी टेन रेस्टोपर माइनस फिफ्टीन मीटर्स ऑप्शन डी टेन रेस्टुपर माइनस टेन मीटर सो इसका आंसर है ऑप्शन बी विच इज टेन पावर सॉरी ऑप्शन सी विच इजन रेस्टूपर माइनस फिफ्टीन मीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रल एटम बाय, ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑप्शन बी गन ऑफ प्रोटॉन ऑप्शन सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन डी लॉस ऑफ प्रोटॉन सो एक ये न्यूट्रल आइटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप हो जाएगा तो या अगर हमें इसे पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो ये कैसे होगा तो ये होगा जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रॉन इज़ ऑप्शन ए अल्फ़ा पार्टिकल ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयन ऑप्शन सी बीटा रे पार्टिकल ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन सो इसका करेक्ट आंसर है बीटा रे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को हम बीटा रे पार्टिकल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो बीटा पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन है वो बीटा रे पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है जो एक बीटा रे पार्टिकल का साइज़ होता है मीन्स उसके एक पार्टिकल को लिए हम तो उसका साइज एंड चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को बीटा रे पार्टिकल भी कहते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स ऑप्शन ए जेम्स चैडविक ऑप्शन बी विलियम क्रुक्स ऑप्शन सी जे जे थॉम्पसन ऑप्शन डी रदर फॉर्ड सो इसका करेक्ट आंसर है इसका जो न्यूट्रॉन की इन्वेंशन हुई थी वो हुई थी जे जे सॉरी जेम्स चैडविक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन ऑप्शन ए जेम्स चैडविक ऑप्शन बी विलियम क्रुक्स ऑप्शन सी जे जे थॉम्सन ऑप्शन डी रदरफोर्ड सो जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑप्शन ए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड ऑप्शन बी द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट नियरेस्ट टू न्यूक्लियस हैज़ लोएस्ट एनर्जी ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑप्शन डी द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नाट बी डिटरमाइंड साममल्टेनियसली सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये जो बाकी तीनों ऑप्शन ए बी एंड सी है ये हाइड्रोजन मॉडल या भोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन का ही पार्ट है क्योंकि भोर ने ही अपने मॉडल में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एक फिक्स एनर्जी पॉकेट्स होते हैं एंड वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एंड ये जो जो ऑप्शन डी में बात कही गई है कि जो पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली डिटर्माइन नहीं की जाती है ये बताया था हमें हिजनबर्ग ने उन्होंने भी एक प्रिंसिपल दिया था हिजनबर्गस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सो तो ये जो ऑप्शन डी में जो बात कही गई है वो हिजनबर्ग द्वारा कही गई है तो इसलिए जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एंड इसका आंसर है ऑप्शन डी द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड डी जनरेट वेन ऑप्शन ए दे हैव सेम वेब फंक्शन ऑप्शन बी दे हैव सेम वेव फंक्शन बट डिफरेंट एनर्जीज ऑप्शन सी दे हैव डिफरेंट वेव फंक्शन बट सेम एनर्जी ऑप्शन डी दे हैव सेम एनर्जी तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दे हैव सेम एनर्जी जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं हम उन्हें कब कहते हैं कि वो डी जनरेट हो गए जब उनकी में एकदम इक्वल एनर्जी होती है वहाँ पर वेव फंक्शन का कोई उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उनकी एनर्जी से ही रिलेटेड में ये टर्म यूज़ किया जाता है कि डी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रो सॉरी डी जनरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स द द वैल्यू ऑफ प्लान कॉन्स्टेंट इज़ ऑप्शन ए सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन रेस्ट रुपा माइनस थर्टी फोर जूल्स पर सैकेंड सिक्स पॉइंट सिक्स ऑप्शन बी सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन रेस्ट रुपा माइनस ट्वेंटी सेवन जूल पर सैकेंड सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन रेस्ट रुपये माइनस थर्टी जूल्स पर सैकेंड ऑप्शन डी सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन रेस्ट रुपय माइनस ट्वेंटी फोर जूल्स पर सेकेंड सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन रिजा माइनस थर्टी फोर जूस पर सेकेंड ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल वॉज प्रपोज बाय ए एजनबर्ग बी लॉरी सी डी ब्रॉगली एंड डी शडंजर सो so, अभी इसका हमने देखा था कि हिजनबर्ग ने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सो वो तो हम वैसे ही हटा सकते हैं लॉरी जो है उनका एसिड बेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या उन्होंने थ्योरी जो भी दी थी वो एसिड बेस से थी एंड डी रॉगली डी ब्रॉगली ही करेक्ट आंसर है इसका उन्होंने प्रपोज किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ड्यूल नेचर होता है सो तो ये जो थ्योरी है ड्यूल नेचर्स ऑफ पार्टिकल्स ये दी थी डी ब्रॉगली ने एंड जो ऑप्शन डी है वो शडेंजर है तो उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी थी तो वो भी इसका करेक्ट आंसर हो नहीं सकते थे तो इसका करेक्ट आंसर है डी ब्रॉगली टू इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल विल डिफर इन ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बी एज क्वांटम नंबर सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और डी स्पिन क्वांटम नंबर सो इसका करेक्ट आंसर है डी स्पिन क्वांटम नंबर बिकॉज जो केश सब शेल है मान लो ये केस सब शेल है इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं तो हम ऐसे डालते हैं जिसमें एक क्लॉक वाइज होता है एंड अनदर एंटी क्लॉक वाइज होता है तो इसी को हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्पिन क्वांटम नंबर इन द न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम एटॉमिक नंबर ट्वेंटी एंड मास नंबर फोर्टी देयर आर ऑप्शन ए 40 प्रोटॉन्स एंड ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन बी ट्वेंटी प्रोटॉन्स एंड फोर्टी इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन सी ट्वेंटी प्रोटॉन्स एंड ट्वेंटी न्यूट्रॉन्स ऑप्शन डी ट्वेंटी प्रोटॉन्स एंड फोर्टी न्यूट्रॉन्स सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ ट्वेंटी प्रोटॉन्स एंड ट्वेंटी न्यूट्रॉन्स सो जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का विच इज़ इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फॉर ऑक्सीजन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑप्शन ए वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू टू पी वाई वन टू पी जेड वन ऑप्शन बी वन एस टू टू एस टू पी एक्स टू टू पी वाई टू पी जेड ज़ीरो ऑप्शन सी वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स थ्री टू पी वाई वन टू पी जेड ज़ीरो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सो अकॉर्डिंग टू होन्स रूल जितने भी हमारे पास ऑर्बिट हैं सब में पहले हमें जैसे ये वन एस वन हो गया ये सेकेंड वन इज़ वन एस फोर्थ टू एस टू एंड देन हमारे पास ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं सो हम सबसे पहले क्या करते हैं हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सबको पहले हाफ़ फिल करते हैं ये जो एस का है ये एस का अलग है देन उसके बाद पी का आता है तो जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है बिकॉज इसी में हन्स रूल फॉलो हुआ है जिसमें पहले हमने इसमें दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए एंड टू एस टू में भी कर दिए एंड उसके बाद से पहले हम क्या करते हैं जितने भी हमारे पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं तो तीनों को पहले हम हाफ़ फिल करते हैं देन उसके बाद उसको फिल फुल्ली फिल करने के लिए जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया वो करते हैं बाकी ये जो भी ऑप्शन है उसमें ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है जैसे कि ऑप्शन बी में हमने टू एस टू को फिल नहीं किया है एंड ऑप्शन सी में हमने टू पी एक्स में पहले थ्री इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और टू पी जेड पूरा एम्प्टी है सो so, ये एक uh, जो भी उसकी ऑर्बिट होती है उसको Uh, बहुत ही अनस्टेबल बना देता है तो हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो और अकॉर्डिंग टू हुस रूल हमें सब भी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जो टू पी के आ गए हैं या फिर जो भी बाकी एफ़ या डी आएंगे तो उसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले हमने सबको हाफ फिल करना है देन उसको फुल्ली फिल्ड करना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एच विद अ साइन ऑफ माइनस इज ऑप्शन ए वन एस ज़ीरो ऑप्शन बी वन एस वन ऑप्शन सी वन एस टू ऑप्शन डी वन एस वन टू एस वन सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वन एस टू सो ये हाइड्रोजन होता है जो नेगेटिवली चार्ज या कोई भी चार्ज उस पर नहीं है तो उसका एटॉमिक नंबर है वन अब इसके ऊपर वन माइनस का साइन आ गया मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये टू हो गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो वो वन एस टू हो जाएगी जिसके हम फर्स्ट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अभी तक एक क्लॉक वाइज एंड अनदर क्लॉक वाइज सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वन एस टू द फॉलोइंग हैज़ ज़ीरो वैलेंसी ऑप्शन ए सोडियम ऑप्शन बी बेरेलीम ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी क्रिप्टॉन सो so, जो भी इसमें एलिमेंट्स है सब में कुछ ना कुछ हमारे पास बाद में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह ही जाते हैं तो सबकी वैलेंसी कुछ ना कुछ है ही और जो यहाँ पे हमारे पास क्रिप्टॉन है क्रिप्टॉन एक नॉवल गैस है तो उसकी बैलेंसी ज़ीरो है सोडियम की वैलेंसी हो जाती है वन बेरेलीम की टू प्लस टू एंड जो एलमोनीम है एलमोनीय की है प्लस थ्री सो so, इसका करेक्ट आंसर है क्रिप्टॉन बिकॉज वो एक नॉबल गैस है तो उसकी कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वॉज इस्टैब्लिश्ड बाय ए पॉजिटिव रे एनालिसिस बी अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सी एक्स रे एनालिसिस डी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये मैंने एक पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये रदर फोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के साथ उसके बीच में अल्फा रे पार्टिकल्स उन्होंने पास थ्रू कराए थे तो इसी से उसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड वो एक एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है द हाइड्राइड आयंस एच ई विथ अ नेगेटिव साइन आर आइसो इलेक्ट्रिक विथ ऑप्शन ए लीथियम ऑप्शन बी एच ई प्लस ऑप्शन सी एच ई ऑप्शन डी बी ई बी इज बेरीम एंड एच इज़ हीम सो यहाँ पर पूछा है आइसो इलेक्ट्रिक so, सो आइसो इलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं सो so, हीलीम का एटोमिक नंबर होता है टू अभी हमारे पास यहाँ हीम जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है तो इट मीन्स इसका अभी इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो हो गए थ्री सो so, यहाँ पर थ्री किसका होता है लीथियम का तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीथियम विच इज़ ऑप्शन ए और इसका आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज जो हुआ वो लीथियम हुआ है और ये आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज बहुत कॉमन uh, टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है so, सो ये आइसो इलेक्ट्रिक या आइसो इलेक्ट्रिक का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप प्लीज़ इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन एम यू बी एम स्ट्रॉन्ग सी फर्मी डी सेंटीमीटर सो इसका करेक्ट आंसर है सी फर्मी जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो यूनिट होती है जिसमें हम उसे मेजर करते हैं वो फर्मी है और वो ऑप्शन सी है तो इसका करेक्ट आंसर है सी फर्मी ऑर्बिट इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑप्शन बी स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिम ऑप्शन सी एम्प्लीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सो इसका करेक्ट आंसर है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, सो ऑर्बिट जो होता है ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ होता है ये एक इमेजिनरी पाथ है ये ऐसा कोई हमें फिक्स पाथ नहीं दिखेगा ये इमेजिनरी पाथ है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इस जगह पे हमें एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करें अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो इसका सर्कुलर पाथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक इमेजनरी लाइन है इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी है कि इट इज़ अ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर चांसेज ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नेक्स्ट क्वेश्चन एन एटम विच हैज़ लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन वुड बी अगेन एक ये आइटम है अगेन एग्जाम्पल विद हाइड्रोजन सो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा ए नेगेटिवली चार्ज बी पॉजिटिवली चार्ज सी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डी कैरी डबल पॉजिटिव चार्ज सो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है इफ़ इट इज़ रिलीजिंग अ इलेक्ट्रॉन और इट इट इज़ लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन इट वुड बी अ पॉजिटिव चार्ज इट वुड बी पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट क्वेश्चन बी जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन ऑप्शन सी जे एच चैडविक न्यूट्रॉन ऑप्शन डी भोर आइसोटोपेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये जो बाकी सारे हैं ये सब करेक्ट है जो भोर है भोरने एटॉमिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम दी थी उन्होंने कोई आइसोटोप से रिलेटेड कोई डिस्कवरी नहीं की थी बाकी रदर ने प्रोटोन की डिस्कवरी की थी जहाँ पर उन्होंने बताया था प्रोटोन सेंटर में होता है जेरे थॉम्पसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की था चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था बोर ने जो डिस्कवरी की थी वो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड थी कि वो एक कहाँ रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम कैसा होता है तो इसका करेक्ट आंसर है बोर्स आइसोटोप थैंक यू फॉर लसनिंग अस आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए थैंक यू इन हैव अ नेक्स्ट डेड